दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सामने एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं, जो सवाल कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इस क्वेश्चन से कुछ नॉलेज मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ते हैं। बोला गया है एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 7:4:3 के अनुपात में है। यदि कुल मूल्य 90 रुपया है तो बैग में 25 पैसे की संख्या कितनी है? एकदम सिंपल सा सवाल है, कई लोग इस सवाल को सॉल्व करना जानते होंगे। अगर जानते हैं कोई बात नहीं, वीडियो को देख ही लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाए और भी चीजें। और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ऐसा सवाल कहीं छूट ना जाए या फिर कोई पूछे तो बता ना पाए, ऐसा कभी ना हो, इसलिए बने रहें। ऐसा सवाल आप चुटकियों में बना देंगे, एकदम कंसेप्चुअल तरीका बताएंगे, क्लियर? चलिए तो बनाते हैं डायरेक्ट। और अगर आप थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, शायद सॉल्व हो जाए और फिर कंफर्मेशन के लिए ही वीडियो देखना है। चलिए यहां पर लिखते हैं सबसे पहले हल, क्या लिखते हैं? हल सॉल्यूशन। बोला गया है एक बैग में 10 पैसे। चलिए हम एक बैग बनाते हैं, देखिए ये है एक बैग, ठीक है। अब इस बैग में 10 पैसे के सिक्के हैं, फिर 20 पैसे के सिक्के हैं, फिर 25 पैसे के सिक्के हैं। अब कितना कितना सिक्के हैं ये नहीं दिया गया है, लेकिन अनुपात दिया गया है कि भाई अगर 7:4:11:3:14 भाग टोटल कर दें सभी सिक्कों का, तो 7:10 का है, 4:20 का है और 3:25 का है। अगर 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा लिखा गया है तो 10 पैसा के लिए ये 7 हुआ, 20 पैसा के लिए 4 हुआ, 25 पैसा के लिए 3 हुआ। हालांकि यहाँ क्रमशः लिखा जाना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन नहीं लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब इस थैली में कितनों भी रुपया रहे, कोई भी सिक्का रहे, एकदम आपको इस तरह सिंपली पहले लिख लेना है। जैसे 10 पैसा का कितना सिक्का है नहीं दिया गया, लेकिन अनुपात दिया गया है 10 पैसा के लिए कितना है 7, क्या है 7, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7K लिखेंगे या फिर 7X लिखेंगे या फिर 7Y लिखेंगे, क्यों हम आपको भी बता रहे हैं। चलिए फिर यहां पर 20 पैसे के कितने भाग है 4, तो यहां पर 20 पैसा के कितने भाग या फिर कितने पीस हैं, तो यहां पर लिख देंगे 20 पैसा वहां पर 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा। फिर 25 पैसा आता है, 25 पैसा वहां पर कितना है 3, तो यहां क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अनुपात क्या होता है, एक सिंपलिस्ट फॉर्म होता है, जैसे कि मान के चलिए 5/10 है। अब 5/10 का अगर हमें अनुपात के रूप में लिखना हो तो काट देंगे इसको, 5 × 5, 5 × 10, तो कितना है 1/2, यानी कि 1:2, यानी जो यहां पर 5:10 था इसको हम क्या किए 1:2 में लिख दिए, है कि नहीं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर काटा गया था, किससे काटा गया था 5 से, मतलब कि ये जो ऊपर में 5/10 था, क्या था 5/10 था, उसको हम 5 को क्या किए 5×1 लिख देंगे और 10 को क्या करेंगे 5×2 लिख देंगे। तो देखिए ये समान संख्या क्या हो रही थी, कट रही थी, समान संख्या कट रही थी और 1/2 बच रहा था, इसलिए 1:2 लिख रहे थे। तो जो समान संख्या कट रही थी वही हम मान लेते हैं कि यहां पर जो तीनों में कटा है वो के कटा है, कोई संख्या होगा के जो क्या होगा डायरेक्टली कटा होगा, इसीलिए हम के मान लिए, क्लियर? ताकि ये सबको काट करके 7:4:3 आया था। चलिए मान लिए, समझ में आई कि क्यों माने हम के, एकदम समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन और दिया गया है, यदि कुल मूल्य 90 रुपया है, मतलब इस बैग में जितने भी सिक्के हैं टोटल अगर हम मूल्य देखें तो कितना होता है 90 रुपया होता है। यहां पर पैसा में दिया गया है और यहां पर टोटल मूल्य कितना दिया गया है 90 रुपया दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको रुपया में कन्वर्ट करें या फिर ये जो रुपया में दिया गया है इसको आप पैसा में कन्वर्ट करें, बहुत तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। लेकिन चलिए यहां पर देखिए, अगर 10 पैसा का 7K सिक्का है, ये क्या है सिक्कों की संख्या है, 7K क्या है सिक्कों की संख्या है, कौन सिक्कों की संख्या 10 पैसा का, और 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है 4K, मतलब टोटल संख्या हम बात कर रहे हैं, क्लियर? अनुपात दिया गया था 7:4:3, लेकिन के लगा दिए, मतलब ये हो गया 10 पैसे का टोटल सिक्का, 20 पैसे का टोटल सिक्का, 25 पैसे का टोटल सिक्का। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर 10 पैसे का टोटल सिक्का इतना हो रहा है, 10 पैसे का टोटल सिक्का इतना हो रहा है तो कितना रुपया होगा, सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये दोनों गुना हो जाएगा, 10 × 7 कितना हो जाएगा 70, 70K पैसा होगा, 70K क्या होगा पैसा होगा, नहीं
अरे भाई 70, 7 के क्या है सिक्कों की संख्या है, 7 के क्या है, जैसे कि मान चलिए 8 सिक्का होगा, 10 पैसा का 8 सिक्का, तो इसको क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 पैसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 80 पैसा हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर जो 7 के टोटल सिक्का था उसको हम 10 से गुना किए हैं तो 70 के पैसा आया है, एकदम सिंपल है। चलिए बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए अब टोटल 4K सिक्का है किसका, 20 पैसा का, तो 4K को गुना किससे करेंगे, 20 से करेंगे, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80 के हो जाएगा, और यहां पर क्या चीज है एक्चुअली पैसा है, तो यहां पर पैसा लिख देंगे कोई दिक्कत। फिर यहां देखिए 25 पैसा का टोटल सिक्का कितना है 3K है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 25 दिया 75 के इतना क्या है पैसा, तो ये सब क्या है टोटल पैसा आया है, टोटल पैसा आया, बात समझ आई। अगर ये पैसा में है और यहां पर रुपया में दिया गया है तो एक बात करते हैं इस चीज को रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर 90 रुपया जो उसको ही पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस थैला में टोटल रुपया कितना है 90 रुपया, 90 रुपया कहने का मतलब क्या हुआ, 90 रुपया कहने का मतलब हुआ 90 में 2 जीरो और बैठा देंगे इतना पैसा, इतना क्या हुआ पैसे हुआ 9000 पैसे, क्लियर, यानी 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा, क्लियर। एकदम छोटा छोटा चीज भी आपको बताते चलते हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं हमारे चैनल पर जो कुछ भी नहीं जानते फिर भी वीडियो देखते हैं मैथमेटिक्स का, है कि नहीं, क्योंकि उनको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मैं छोटा छोटा चीज को भी बताते चलता हूं ताकि जो कमजोर है वो कहीं पीछे ना छूट जाए, क्लियर। चलिए अगर ऐसा हो गया यहां पर पैसा पैसा कन्वर्ट कर दिए सबको टोटल सिक्का को और यहां पर 9000 पैसा इस टोटल थैली में है, अब यहां पर क्या करेंगे सभी पैसा को ऐड करेंगे, यहां पर कितना है 70 के पैसा है, कितना है 70 के पैसा है, प्लस जोड़ देंगे 80 के पैसा को, फिर जोड़ देंगे 75 के पैसा को, ये कितने के बराबर होने चाहिए, अगर सबको ऐड कर देंगे 10 पैसा का कितना है टोटल पैसा, फिर 20 पैसा का टोटल पैसा कितना है, 25 पैसा का टोटल पैसा कितना है, अगर सबको जोड़ देंगे तो 9000 पैसे आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 9000 पैसे आना चाहिए। यहां पर पैसे वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर अगर पैसे लिखते हैं और इधर वाला पैसे जो है पैसे कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा के कमान निकलेगा, एकदम सिंपल सी फंडा, यहां से क्या चीज कमान निकलेगा के कमान निकलेगा। तो चलिए के कमान निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 14K बचेगा, ताकि 5 × 14 से करें 14×5 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, फिर यहां पर कितना बचेगा 16×5 80 यानी कि 16K, फिर यहां 15×5 75K बचेगा, क्लियर, बराबर में कितना हो गया 9000 हो गया। अब इसको काट सकते हैं 5×5 फिर यहां पर 5×5 फिर यहां कितना बचा 4 बचा 5×8 40 00 1800 आया। अब सबको यहां पर जोड़ दीजिए 16 के और 14 के कितना हो गया 30 के और 15 के 45 के, 45 के बराबर में हो जाएगा 1800, क्या हो गया 1800। अब यहां से के का मान निकल जाएगा, के का मान जहां निकला तहां फिर हम जान जाएंगे कि कौन सिक्का कितना का है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया 25 पैसे की संख्या कितनी है तो के का मान पता चलेगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर के बराबर में हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 45 जो है डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काटिए, आप चाहे तो 45 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 45 से कम 45 और 45 × 90 45 चौके कितना हो जाएगा 180, 45 चौके और 10 और यानी कि 40 आया, के का मान क्या आया 40 आया। अब जहां के का मान हमको पता चला कि अरे भाई 40 है तो यहां पर एकदम लिख दे सकते हैं, जैसे कि ये सब क्या है सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है, तो अगर के का मान हमको पता चल गया कि 40 है तो यहां पर 10 पैसे का कितना संख्या नहीं निकलेगा 40 को गुना 7 से कर देंगे 7×4 28 यानी 280 सिक्का है। फिर यहां अगर 20 पैसा का बात की जाएगा तो क्या करेंगे के की जगह पर 40 रखेंगे तो 4×16 160 सिक्का हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि 25 पैसे की संख्या कितनी है, ये 25 पैसा की संख्या कितनी है, तो यहां पर 25 पैसा की टोटल सिक्का कितना था 3K, अब K का मान कितना आया है 40, अगर 40 आया है तो क्या करेंगे हम 3 गुना क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो 4×3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब कि 120 क्या चीज सिक्के, किसका सिक्के 25 पैसे के सिक्के, कितना आया 120 आया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 120 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बहुत तरीका से भी पूछा जा सकता है, बोला जाता है कि भाई पैसे जो 25 पैसे की संख्या ना पूछ करके बोला जाएगा 25 पैसे का कितना रुपया यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, तो आप चाहे 120 सिक्के अगर 25 पैसा का है तो इसको क्या कीजिए 120 सिक्का को हम 25 से गुना करेंगे फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो चीज रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी बहुत तरीका से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है और आप इसका आंसर दे भी देंगे मुझे उम्मीद है, क्लियर, बात समझ आ रही है।
मतलब यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा में, फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर पूछा जाता कि 25 पैसा का कितना रुपया है टोटल, तो यहाँ केक के जगह पर क्या रखते हैं 40 रखते, 40 को गुना 75 से करते हैं, तो टोटल ये पैसा में प्राप्त होता, क्या होता है टोटल पैसा। अगर पैसा में प्राप्त हुआ है उसको रुपये में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो चीज रुपये में चेंज जाता है कि नहीं। इस तरह से हम बना सकते थे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता तो, है कि नहीं। और बहुत तरीका हम आपको बता चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सही ढंग से सुने होंगे, तो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कर देंगे, मुझे उम्मीद है। क्लियर, एकदम यही प्रक्रिया अपनाना है। अगर अभी नहीं समझ में आया आपको तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि वीडियो को आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं, ये आपके हाथों में है। क्लियर, यहाँ पर बात नहीं उठ पाएगा कि समझ में ही नहीं आया, क्या बता रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। 3-4 बार देखने से सब समझ में आ जाता है। क्लियर, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।